Hello friends, this is Bharat Gupta. Today we'll discuss important concept in geometry, that is similarity. मेरे कुछ छात्रों की डिमांड पर मैं आज इस वीडियो को बाइलिंगुअल बना रहा हूँ, जिसमें कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म्स यूज करूँगा. ओके, नाउ सिमिलरिटी. व्हाट इज सिमिलरिटी? इट इज लाइक अगर दो ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं तो उसको हम बोलते हैं सर्वांगसम. लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ा है और एक बराबर रेशियो में बड़ा है तो उसको हम बोलेंगे समरूप. आप एक एग्जाम्पल लीजिए, आपकी आपकी फोटो और आपकी बचपन की फोटो समरूप है, उसका हर पार्ट एक जैसा है. तो इसी तरह से सिमिलरिटी में क्या होता है, माना एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर. समरूपता को आप इस तरह समझिए कि अगर किसी त्रिभुज के सभी कोण, ये एंगल वन है, इसको मैं वन मार्क कर रहा हूं, ये एंगल टू है, ये टू है और ये थ्री है, ये थ्री है, तो ये दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल के बराबर है, तो ये ट्राइंगल समरूप है. आपको ये मार्किंग बहुत ढंग से आनी चाहिए, क्वेश्चन में गिवन होगा उसके हिसाब से आप मार्किंग करोगे और उसके बाद रूल आता है वन टू थ्री. नाउ पहला जो आपके पास एंगल है वो है वाई. हम लेते हैं पहले इस त्रिभुज को, वन के आगे जो एंगल है, जो साइड है वो है ए सी, इधर वन के आगे साइड क्यू आर और टू के आगे साइड है बी सी, इधर टू के आगे साइड है पी क्यू. उसी तरह से थ्री के आगे साइड है ए बी, इधर थ्री के आगे साइड है पी आर. दोस्तों अगर किन कोई दो ट्राइंगल के सभी एंगल बराबर हैं तो उनके भुजाओं का जो रेशियो होगा और वो भी एक ऑर्डर में होना चाहिए. नाउ इन दिस केस वन एंगल साइड अपोजिट टू वन इज ए सी, हमने यहाँ पर ए सी लिख दिया वन के अपोजिट, इधर वन के अपोजिट क्यू आर तो ए सी अपॉन क्यू आर, इधर बी सी अपॉन पी क्यू, इधर ए बी अपॉन पी आर. ओके, एक तरीका तो ये होता है. एक तरीका और होता है, अगर हम उसको ऐसे लिखें ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर, ये जो साइन मैंने लिखा है ये सिमिलर का साइन होता है. ए एंगल यहाँ पर दो है, इधर ए एंगल कौन सा है आर, तो इट इज सिमिलर टू आर. बी एंगल यहाँ पर वन है, इधर वन पी आर पी और रिमेनिंग सी थ्री इधर क्यू, तो वी राइट त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू त्रिभुज आर पी क्यू. उसके बाद इधर पहले दो है ए बी तो हम लिखेंगे ए बी, इधर पहले दो पी आर या आर पी इज इक्वल आखिरी के दो बी सी, इधर बी सी इधर पी क्यू एंड आखिरी में आखिरी और पहले वाले ए सी अपॉन क्यू आर. आप देख सकते हो ए सी अपॉन क्यू आर बराबर बी सी अपॉन पी क्यू बराबर ए बी अपॉन पी आर. सो आप चाहे तो इस तरह से करें और इस तरह से करें, आपका आंसर सेम आएगा. अच्छा, इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन पे, मैं क्वेश्चन देखिए कैसे इन मेथड्स को अप्लाई करना है, कैसे हम एंगल को मैनेज करेंगे. माना आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी, एक लाइन हमने ड्रॉ की, ये लाइन इससे ड्रॉ की कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इसको नाम दे दिया हमने पी क्यू. ओके, और आपको भुजाएं दे रखी हैं, ये भुजा दे रखी है आपको 1.5 या इसको हम दो ले लेते हैं, ये भुजा दे रखी है आपको 3. ओके, और ये आपको दे रखा है 5 या चलो दो ले लेते हैं. आपको ये कैलकुलेट करना है माना ए. अब कैसे इसको सिमिलरिटी लगेगी, तो हम क्या करते हैं इस डायग्राम को हम दो पार्ट बनाते हैं, एक बड़ा वाला सर्कल ट्राइंगल ए बी सी और एक छोटा वाला ये ए पी क्यू. अब आप देखिए ये एंगल एक्स है, यहां पर ये एंगल एक्स है, राइट, ये एंगल दोनों में कॉमन है, इसको आप मान लो वन. ये एंगल बचा, जब दो एंगल किसी त्रिभुज के बराबर तीसरा अपने बराबर होगा, इसको मान लिया हमने टू, तो ये बचे हुए टू के बराबर हो गया. अब हम फिर वही रूल लगाएंगे वन टू एक्स, यहाँ पर हमारा एक एंगल एक्स है तो हमने एक्स मान लिया, यहाँ पर थ्री माना था. ओके, नाउ अब जो साइड थी वो देख लो आप, ए बी साइड है टू प्लस एट, ए सी साइड है फाइव थ्री प्लस टू, इधर ए क्यू साइड है थ्री और दिस साइड इज टू. ओके, नाउ वन के अपोजिट साइड इधर बी सी, इधर वन के अपोजिट पी क्यू, टू के अपोजिट बड़े वाला, हम हर बार बड़ा वाला ले रहे हैं तो पहले बड़ा वाला पांच, इधर टू के अपोजिट टू, एक्स के अपोजिट
इधर 2 प्लस ए और इधर x के अपोजिट 3। तो आप एक चीज देखेंगे, हमारे पास हमने 1-2-3 रूल स्ट्रेस अप्लाई किया, हमारे पास हमको निकालना है a और वो इन दोनों में आ गया, तो हम आगे तो सॉल्व नहीं करेंगे, सीधे सीधे यहाँ सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास बचा क्या, 5/2 इज इक्वल एक्स 2 प्लस ए अपॉन 3, 3 इधर आएगा, ये हो गया 15/2 बराबर 2 प्लस ए, ये हो गया ए बराबर 7.5 माइनस 2 और 5.5, वैल्यू ऑफ ए आ गई 5.5। तो ये समरूप का बहुत बेसिक एग्जांपल मैंने लिया है, अब हम कुछ आगे इसकी एप्लीकेशन लिखेंगे, कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए।